हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोग के साथ आज एक क्राफ्ट वीडियो शेयर करूंगी। इस क्राफ्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज किया है और उस कार्डबोर्ड से मैं इस तरह के सर्कल कट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 4 सर्कल कट किए हैं, 2 जो हैं छोटे हैं और 2 थोड़े बड़े हैं। आप भी इस तरह के सर्कल कट कर लीजिए। और इस सर्कल को हम क्या करेंगे कि जो मास्किंग टेप होती है उससे इसे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा ये वीडियो होने वाला है, ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाला क्राफ्ट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आप लोग के साथ जितनी भी क्राफ्ट वीडियो शेयर करती हूँ वो बहुत ही कम पैसे में बन के तैयार होने वाली क्राफ्ट होती है, तो मेरे वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जितने भी सर्कल कट किए थे उन सबको मैंने मास्किंग टेप की हेल्प से कवर कर दिया। अब हम एक कटोरी में थोड़ा सा POP लेंगे और इसमें थोड़ा सा फेविकॉल मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसका घोल तैयार कर लेंगे। इस घोल को तैयार करने के बाद जो हमने कार्डबोर्ड का सर्कल कट किया था ना, उस पर इसे अप्लाई कर देंगे और इसे सूखने के लिए रख देंगे। जब वो सूख जाएगा तब जो उस पर आगे की डिटेलिंग करनी है हम वो डिटेलिंग करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे POP लिया है। आपके पास POP हो सकता है नहीं हो, तो उसकी जगह आप क्या करें कि घर में जो बेबी पाउडर होती है या कोई भी पाउडर होती है, तो आप उस पाउडर में थोड़ा सा फेविकॉल और पानी मिक्स करके इस तरह का घोल तैयार कर सकते हैं और उसे इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास जो एक्रेलिक कलर है, तो वाइट कलर के एक्रेलिक कलर से आप इसे पेंट कर दें। तो देखिए, हमने जो कार्डबोर्ड पे POP लगाया था वो अच्छी तरह से सूख गया है। तो अब हम लेंगे पिस्ता का सेल और इसे हम फेविकॉल या किसी भी ग्लू की हेल्प से इस पर चिपका लेंगे। हम इसे 1x1 करके बड़े ही सावधानी के साथ इस पे इसे चिपकाएंगे। ये जब एक बार चिपक जाएगा तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो देखिए, मैंने चारों सर्कल पे जो पिस्ता का सेल है उसे इस पे चिपका लिया है और उसके बाद ये अच्छी तरह से सूख भी गया है। सूखने के बाद मैंने इसके सेंटर पे पेंसिल की हेल्प से स्वास्तिक सुबला ड्रॉ कर लिया है। तो इसके बाद मैं थोड़ी सी बॉल पुटी लूँगी और उसका डो बना लूँगी। डो बनाने के बाद हम उसकी पतली पतली लड़ियाँ बनाकर जैसे जैसे मैंने स्वास्तिक लिखा है उस पर उसी तरह से उन लड़ियों को रखते जाऊँगी। और इस बॉल पुटी को चिपकाने के लिए मैंने फेविकॉल का यूज किया है, पर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप बॉल पुटी का ही यूज करें। अगर आपके पास क्ले है तो आप क्ले का भी यूज कर सकते हैं, या घर में जो गेहूं का आटा होता है या मैदा होता है आप उससे भी ये स्वास्तिक और शुभ लाभ लिख सकते हैं। तो देखिए, इस पे जो हमने बॉल पुटी लगाया है वो अच्छी तरह से सूख गया है। तो अब हम इसे कलर करेंगे। कलर आप अपने अकॉर्डिंग करें, आपको जो भी कलर पसंद है आप वही कलर करें। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं इसे कलर कर रही हूँ आप उसी तरह से इसे कलर करें। कलर अपने अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि ये खुद की बनाई हुई क्राफ्ट है तो कलर भी अपने अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आपको जो भी कलर पसंद है आप वही कलर इस पर कलर करें। तो देखिए, हमारा कलर हो गया है कंप्लीट और ये अच्छी तरह से सूख भी गया है। तो सूखने के बाद जो हमने इस पे शुभ लाभ और स्वास्तिक बनाया है उसे सबसे पहले हाईलाइट करेंगे। और उसे हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लिया है। तो देखिए, मैं इस पे ब्लू कलर से इसे कलर कर दूँगी। देखिए, मैंने जो यहाँ पे कलर यूज किए हैं ना, वो सारे के सारे एक्रेलिक कलर हैं और मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया था। तो अगर आपको भी लिंक चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमने जो कलर किया है इस पे वो अच्छी तरह से सूख गया है। मैंने साइड में ब्लू कलर कर दिया है क्योंकि जब इसे हम हैंग करेंगे तो साइड में जब खाली खाली पार्ट दिखेगा तो वो ठीक नहीं लगेगा, तो मैंने इसे ब्लू कलर से कलर कर दिया। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेसल्स लिए हैं और कुछ मोतियाँ ली हैं। मैंने इसे परचेज नहीं किया है, ये मेरे घर में थी तो मैंने इसी का यूज कर लिया है। तो आपके घर में भी थोड़ी बहुत मोतियाँ रहती ही होंगी तो आप उसी का यूज करें। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। इन मोतियों और टैसल से मैं एक लटकन तैयार करूंगी। अगर आपके घर में कोई लटकन है, जैसे हम ब्लाउज़ में कोई लटकन यूज करते हैं, अगर वो आपके पास पड़ी हुई है तो आप उसे भी लगा सकते हैं या आप इसे सिंपली मार्केट से परचेज कर सकते हैं। पर मेरे पास थोड़ी सी मोतियाँ पड़ी हुई थी तो मैंने उसी से लटकन बनाना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि ये क्राफ्ट हमारे अकॉर्डिंग है तो इसमें सारी चीज़ हमारे अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, हमारे पसंद के होने चाहिए। तो देखिए, हमने इस तरह से एक लटकन बनाया है और इसके बगल में मैं इसी तरह से फिर सेम लटकन बनाऊंगी। फ्रेंड्स, इस तरह से लटकन तैयार करने के बाद जब लास्ट में धागे को काटने की बारी आती है तो आप इस प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से करें। आप लास्ट में जब धागा काटें तो उसमें गांठ जरूर दें और गांठ दे के ही धागे को काटें, क्योंकि अगर आप अपने धागे को ऐसे छोड़ दोगे तो आपने जो मोती लगाई है वो बहुत जल्द निकल जाएगी और जो आपका बनाया हुआ क्राफ्ट है वो बेकार हो जाएगा। आप ध्यान से इसे देख सकते हैं कि मैंने इस धागे को लास्ट में किस तरह से गांठ देकर निकाला है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ हमेशा छोटी छोटी बातें शेयर करती हूँ जो कि हमारे क्राफ्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, मैंने लटकन तैयार कर दिया है और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपके पास घर में मोती है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप खुद से लटकन तैयार करें और वो अपने अकॉर्डिंग तैयार करें। अब देखिए, मैंने बीच में भी थोड़ी सी मोती लगाई है और जो हमारा एक और सर्कल था जिस पे हमने शुभ लिखा है उसे इसमें टक कर दूंगी। और सबसे लास्ट में अब इसे हैंग करने के लिए हम डोरी तैयार कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी मेहनत रंग ला गई। ये देखिए, हमारा क्राफ्ट बनके तैयार हो गया है और ये देखिए कि बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्राफ्ट कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।